उसके बाद तो 16 संहिता लागू होने वाला है 1 तारीख को, ये कोई काम नहीं होगा। आचार संहिता लगने वाला फिर कहाँ कोई काम हो यार, 6 दिन का टाल रहे हैं। आज ये दुखद समय जिसमें हम सब मजबूरीवश हमला धरना प्रदर्शन में बैठे लगी, सुबह 7 बजे ले भूख हड़ताल के कार्यक्रम चालू रही। हमर अमलाधिकारी मन आके जे हमर प्रमुख मांग रही रोड की निर्माण कार्य के लिखित में 15 दिन के अंदर में काम ला शुरुआत करे के लिखित में हमला लिखित आश्वस्त करे है। 15 दिन के अंदर मैं आदरणीय SDM साहब, तहसीलदार साहब, विभागीय जम्बो अधिकारी मतलब बताना चाहूँ, अगर 15 दिन के अंदर अगर ये मांग पूरा नहीं होते तो सीधा आमरण अनशन, वो समय न हम आचार संहिता देखन, वो बाकी व्यवस्था आपके, तो 15 दिन के अंदर हमर काम चालू हो जाना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद आपला कि आप मन तत्काल MBBS डॉक्टर के उपलब्ध करवाए और एम्बुलेंस के एक तो व्यवस्था कराए, और आपला बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद कि मृतक परिवार ला जो सहयोग राशि उपलब्ध कराना है तत्काल राशि लत आप करात हो। अभी लेबर इंस्पेक्टर भी मुझसे बात करीस जो 1 लाख रुपया के प्रावधान है तेला 2 से 3 दिन के अंदर वाला कर दूं के है, वो लिखित में दे के जावा थे। और आप मन से पर्सनल निवेदन, ग्रामवासी मन के ढाले निवेदन कि शासन से एक कनक बहुत गरीब परिवार है काय कर सकथन, या तो कर लेका ला कलेक्टर दर में कहूं कर अगर आप मन बोल दो, अगर नहीं हो कुछ कर सकन तो कलेक्टर दर में विभागी कहूं कर तो आप मन कही सकते हैं दे पाएंगे। और ये जो सड़क की में मुझे समझ में आ रहा है आप लोग सड़क की मांग के कारण ज्यादा उद्वेलित हुए हैं, तो सड़क की मांग कुछ दिनों में पूर्ण होने को है, और अभी PWD से भी आदमी बुला रहा हूँ, जहाँ पे इस तरह की दुर्घटना हुई है यथासंभव उसको ठीक करने का टेम्परेरी देखते हैं, और अगले इसी मासान तक ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सड़क पे आपसे बैठना मेरा है। सड़क है आप सुनिए, यहाँ 3 लाख दारू बिक रहे थे, क्या उधर आप सुनिए अंदर खाने वाले कुछ पैसा लेकर बनवा रहा है, उसका भी बंद होना चाहिए, अभी पकड़ा देखिए। ये सड़क मार्ग है, कृपया यहाँ मत बैठे, लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। अभी यहाँ बैठने से विभाग की तरफ से जो सहायता प्रदान की जाती है 25,000 रुपए की, वो मैं तत्काल पटवारी से पंचनामा और दुर्घटना स्थल का नजरी नक्शा लेके 1 हफ्ते के भीतर स्वीकृत कराने करा दूँगा।